मजबूत थे। वैसे अजीब पेंटिंग है। और केक बचा है क्या? मैंने कहा था मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये मदर बॉक्स भला तुम्हारे पास कैसे पहुंचा लड़की? आप कौन हैं? ये ग्रैंड मास्टर सुहान है, मिरेकल बॉक्स के सेलेस्टियल गार्डियन। पर बॉक्स की गार्डियन तो मैं हूँ। मास्टर फू ने किया उस हादसे से पहले बॉक्स सेलेस्टियल गार्डियन के पास था। मेरा पता कैसे मिला? गार्डियन की छड़ी में मौजूद कंपास से बॉक्स के ठिकाने का पता चलता है। ये तो गलत है, मुझे ऐसी छड़ी क्यों नहीं मिली? इसलिए कि तुम असली गार्डियन नहीं हो। ये गलत फहमी है और बॉक्स के गलत शेप से यही साबित होता है। पर मैं समझी नहीं, मास्टर फू ने इसे मुझे दिया था। फू यानी वैंग फू, वो चूजे के पैरों वाला, वो निकम्मा चेला जो बिना खाए एक दिन नहीं रह सकता और 1000 पुशअप्स नहीं मार पाता था। फू को गार्डियन बनाना ही नहीं था। उस इंसान से जो उम्मीदें की गई थी उन पर उसने पानी फेर दिया। जवानी में मास्टर फू ने गलतियां की होंगी, लेकिन सालों तक उन्होंने बहादुरी से बॉक्स की सुरक्षा की। उन्होंने अपनी यादें मिटाकर कुर्बानी दी और हमें बचाया, और अब एक बहुत ही अच्छे पेंटर बन गए हैं। ये देखिए, वो बूढ़ा चूजे के पैरों वाला है। रुको, कुछ क्वामिस गायब हैं। जब मास्टर फू ने मुझे बॉक्स दिया तब वो नूरू और टूसू और उनके मिराक्युलस को खो चुके थे, बटरफ्लाई और पीकॉक को भी। वो मिराक्युलस भी हार गया? मैंने सोचा उससे भी ज्यादा निकम्मा निकला। फ्लैग, बताओ लड़की, फ्लैग कहाँ है? मैं बताती हूँ, कैट नोआर उसका होल्डर है। ये कैट नोआर कौन है? Well, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें अपनी पहचान सीक्रेट रखनी होती है। तो ये है आज की दुनिया जिसकी रक्षा लापरवाह लोग कर रहे हैं। कॉर्डियस ने मिराकुलस नहीं पहनने चाहिए। कुछ ज्वेल्स गायब है और प्लैग आजाद घूम रहा है। डायनासोर्स और ड्रैगन्स का अंत, इससे तुम्हें कोई चेतावनी नहीं मिली? बहुत हुआ कॉमिस, ये नींग जोड़ी बनाओ और बॉक्स में जाओ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हें कुछ परफेक्ट रूल्स की याद दिलाऊं जो तुमने तोड़े हैं। रूल नंबर 14, क्वामिस बॉक्स के बाहर नहीं होने चाहिए। रूल नंबर 52, गार्डियंस कभी क्वामिस को खो नहीं सकते। रूल नंबर 133, गार्डियन कभी किसी हाल में मिराक्युलस पहन नहीं सकते। पर मास्टर फू खुद भी पहनते थे। वही तो, मैं जो कह रहा हूँ वो बात साबित हो गई है। न तुम और न फू गार्डियन बनने के लायक हो। दोनों ने ही हमारे रूल्स और परंपराओं का पालन नहीं किया है। किसी बच्चे को कॉमिस का कीपर होने की इजाज़त नहीं है। ये ब्रह्मांड की ताकतवर वस्तुएं हैं। उन्हें जिम्मेदारी से संभालना होता है जो कि हमारे बस का नहीं है। सावधान माय लॉर्ड। इस तरह मुझे चुनौती देने का मतलब है शेर को ललकारना। रुक जाइए, शांत हो जाइए, ये बस एक फिल्म है। देखिए कितना शक्तिशाली जादू है। वो वॉरियर इस कांच और मेटल के पिंजरे में कैसे कैद हुआ? अब और वक्त बर्बाद मत करो, मुझे कैट नोआर के पास ले चलो। क्या ऐसा करना सही होगा? पता नहीं, शायद वो जो कह रहे हैं सही होगा, आखिर वो सेलेस्टियल गार्डियन है। शायद तुम सही हो। टिकी इस हथियार से तुम क्या कर रही हो? ये मेरा बग फोन है कैट नोआर से बात करने के लिए। तुम एक दूसरे से बात करने के लिए कबूतर नहीं भेजते? अभी हम जंगल से बाहर नहीं निकले माय लॉर्ड।